तो मैं आपका दोस्त साहिर रहूँगा आपके सामने हाजिर हूँ। आज मरी में द्वितीय चौक पे जुम्मे वाले दिन हम लोग हाज़िर हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये नेक तमन्नाएं और उसके बाद जा रहे हैं जुमा पढ़ने। जुमा पढ़ के वापस आपसे मिलते हैं और फिर यहीं पे आके आपसे मुलाकात होगी। तो इससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज जिस्मानी था। दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तफसील से इंशाल्लाह फिर भी बयान करेंगे मौका मिला तो। आप हजरात जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत को मेराज तो सर कैसे हैं हालात आपके, वाकयात आपके, और ऐसा है कि मरी में कुछ सीन है वो आपको दिखाने हैं, तो रश के हवाले से मैं आपको बात बताऊँ। हाँ हाँ बस लेके आ रहा हूँ। तो ये पेन लेना है यार, क्या बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है तो मई में इस टाइम जैसे धूप लग रही है, मौसम बड़ा ही मज़े का है यहाँ पे, और उसके अलावा कोई हवाएं वगैरह नहीं है, कोई ठंड वगैरह नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर स्काई है आपका। और उसके साथ अगर रश क्राउड की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है, बेटर है। लेकिन कल और परसों मज़ीद ये जो है इसमें इंक्रीमेंट होगा, मज़ीद पीपल आएंगे, नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, या तो आहिस्ता से तादाद ज़्यादा होती जाएगी। तो गाड़ी मेरी जो है वो खुल चुकी है, लिहाजा आप लोग दूसरा कैमरा देखें, मुझे परेशान ना करें। आप कहीं से बाइक लाने जा रहे थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मार रोड का क्या हाल है। तो कुछ ऐसे हैं वाकयात यहाँ के, लोग यहाँ के, हालात यहाँ के, और यहीं से कहीं आगे से उस्मान साहब ने भी आना है, और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ कि सीन हमारा आज का ये है जी, ठीक है। और चलें फिर मैं थोड़ा सा आपको घुमा दूँ इसकी तरफ। तो हालात आपको मैंने बता दिए हैं। सो सर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, कुछ कॉल्स आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा बीच में स्किप हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि माहौल आपके सामने है, जितने बड़ी से आपके सामने हैं, और कॉल फिर आ गई है। सो गाइस दोबारा से वेलकम करते हैं आपको, कॉल्स आ जाती हैं बीच में, यही बेसिक रीज़न है, जो बेसिक रीज़न जो मैं आपको बताया करता हूँ। सो गाइस वेलकम करते हैं आपको, और कुछ कॉल्स आ जाती हैं बीच में जिसकी वजह से थोड़ी सी इंटरप्शन हुई थी यहाँ पे, यही बेसिक रीज़न्स होती हैं कि मैं आपसे कहता होता हूँ कि काफ़ी नंबर बिजी रहता है, दैट्स वाई मैं आपको अकाल पर रिस्पॉन्स बहुत कम करता होता हूँ। तो चले लेकिन हो गया। अब ये हैं जी आपके वेदर हैं, आपके सामने हैं सूरज, आपके बिल्कुल आसमान के ऊपर, आपके सर के ऊपर लगा हुआ है, और गर्मी ठीक है यहाँ पर, टेम्परेचर भी इसका अच्छा है। और सेल्फी स्टिक मैंने उतार दिया, और ये जो है आप हाथ ही मैंने क्या चले करते हैं क्योंकि कार्स आ जाती हैं बीच बीच में, तो इसी में पकड़ा हुआ। लेकिन ये है कि आज कुछ कैमरा क्या कर रहा है भाई, मुझे कुछ काला काला यहाँ पे नज़र आ रहा है, चलें इसकी मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। ये अच्छा सूरज का इशू है जी, सूरज आगे से लग रहा है जायस भाई, ये मसला हो रहा है। और शॉप्स वगैरह ओपन है, क्राउड वगैरह आप देख सकते हैं, लोग घूम फिर रहे हैं और इस तरफ आए हुए हैं, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे रश भी जो है ना उस तरफ पीछे कम था, लेकिन इधर ज़्यादा लोग आए हुए हैं थोड़ा सा, क्योंकि एरिया थोड़ा सा ठंडा होता है, हवाएं चलती हैं और साया होता है यहाँ पे, दरख्त है ना यहाँ पे इस वजह से, और खाने पीने का सामान भी इधर ज़्यादा मिल जाता है थोड़ा सा हल्का फुल्का फास्ट फूड के चक्कर में, तो लोग इस तरफ आए हुए थे। तो रश क्राउड ठीक है, मौसम वगैरह भी अच्छा है, बर्फ़ के तो कोई चांसेस नहीं है मेरे भैया, तो हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, बस ये आप इंजॉय कर सकते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं ये आप इंजॉय कर सकते हैं, बाकी चाय कॉफ़ी वगैरह आपके सामने है वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं भाई। और ये सीन है आपके सामने, इधर रहा आपका मिलेनियम मॉल, आगे से सूरज, और ये रहा जी आपका मारोड, ठीक हो गया। तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो मैंने देनी थी वो आपको मैं दे चुका हूँ, और इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा इशू ये है कि थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, दैट्स व्हाई मैं काफ़ी टाइम के बाद आता हूँ, और फिर ये है कि मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा इधर से फ्री हो जाऊं, तो ना सिर्फ मैं रेगुलर आया करूंगा बल्कि ये है कि फिर इंशाल्लाह हम रेगुलर कहीं जाया भी करेंगे, ठीक है ना। तो फिर डिफरेंट एरियाज़ में मेरा पत्रियाठा शेयर लिफ्ट वगैरह जाने का इरादा है, सोजो पार्क जाने का इरादा है, तो इंशाल्लाह काफ़ी जगह पर जाना है हमने, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, विद इन अ वीक इंशाल्लाह मैं फ्री होकर तो फिर इंशाल्लाह वापस आता हूँ अपनी पुरानी रूटीन पर, तो डेली की डेली बेसिस पर आपको अपडेट मिलेगी। फिलहाल चाय कॉफ़ी आपको जो है ना यहाँ पर मिल सकती है, मैंने पीनी नहीं है, मैं खाना खा के आया, थोड़ा सा हैवी सिस्टम हो गया, तो बाकी अगर आपने लेनी है तो आप ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा सामान उठा के इस तरफ निकल जाता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और आज फ्राइडे है, क्राउड है ठीक है,
नॉर्मल है। और कल जब सैटरडे और संडे आएगा तो क्राउड मज़ीद ज़्यादा इंतहा पकड़ जाएगा। और कल हम लोगों ने जाना है पिंडी इस्लामाबाद की तरफ, मेरे वही चक्कर हैं कुछ थीसिस वगैरह के, वो कवर करने हैं मैंने, तो मार रोड पर थोड़ा सा कम आ रहे हैं। अब तो छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं तो अब तो डेली का आना जाना है मेरा। लेकिन चले ऐसा है कि आप अपना ख्याल रखेंगे और मुझे याद रखेंगे, और जितने भी नए दोस्त आ रहे हैं वो उनको पता तो है करना क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये हवाएँ सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और जिन तक नोटिफिकेशन लेट पहुँचती है वो ज़रूर ये काम करें कि उसको बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, तो नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच जाया करेंगी उन तक। बाकी जो वेदर की इन्फॉर्मेशन थी वो ये आप तक पहुँच चुकी है। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट करने के बाद हम लोग निकलते हैं कहीं आगे पीछे घूमने फिरने के लिए, और आपको अच्छी अच्छी जगह देखने को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। लेकिन तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे और साथ में थोड़ी सी इजाज़त भी देंगे, तो थोड़ी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद, हो सकता है एक दो दिन के बाद, तो हो सकता है कल ही हो सकता है मैं वापस आपसे मिलूँ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे, मुझे इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफिज़।